हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है ई कॉमर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, इसके बाद हमने देखा एसेट डिस्पोजल अकाउंट को कैसे यूज करना है, और हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के सारे इलस्ट्रेशन देख लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 7 के थर्ड पार्ट में है, जहाँ पर सेक्शन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोविजन और रिजर्व के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना वेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्रोविजन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात, ये प्रोविजन होता क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा कि हम डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर वर्ड प्रोविजन सबसे पहले आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ होगा। अब दोस्तों, यहां पर प्रोविजन का असली मतलब क्या है कि कुछ एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका आप एक सर्टिफाइड अमाउंट या फिर एक सटीक अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो ऐसे खर्चों के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन की, तो आपको थोड़ी पता है कि उस मशीन का उतना ही डेप्रिसिएशन हुआ है, वो तो आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो। तो जहां पर भी आप एस्टिमेट लगाते हो, वहां पर आता है प्रोविजन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान के चलिए, अगर आपने आपके किसी नए पार्टी को कोई सामान बेचा क्रेडिट में, तो अभी नए पार्टी को जब आप उधारी में सामान बेचते हो, तब आपको पता थोड़ी रहता है कि ये पूरा पैसा दे देगा। अब आपको मार्केट में उस पार्टी को सामान बेचने के बाद ये पता चला कि वो पार्टी डिफॉल्टर है, यानी कि वो सबका पैसा लेके भाग जाता है, तो आप अब क्या करोगे? उसके नाम का प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपको कंफर्म तो नहीं है कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा। तो आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना है कि भाई साहब, जो मेरा पैसा मेरे को मिलना था 1 लाख रुपए, मेरे को 70% चांस लग रहा है कि मिलेगा, 30% लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख का 30% जो है उसका प्रोविजन बना लूंगा। तो इस टाइप के होते हैं प्रोविजन के एक्सपेंसेस, जहां पर हमको सटीक अमाउंट नहीं पता होता है, लेकिन हम जो है उसको इस साल डालते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भाई जिस साल पैसा नहीं देगा उस साल रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इनकम और एक्सपेंस के मैचिंग कॉन्सेप्ट से चलो, तो अगर इस साल की इनकम है तो इसी साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने टाइप के प्रोविजंस हो सकते हैं, कितने भी टाइप के प्रोविजंस हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कि मैंने आपको बताया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, यानी कि जो भी आपका बैड डेप्ट होने वाला है, यानी कि आपका जो भी पैसा डूबने वाला है, उसके लिए आपने प्रोविजन बनाया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब दोस्तों टैक्स तो आपका 31 मार्च को नहीं लगता है, टैक्स जो है वो जुलाई के महीने में डिपॉजिट करना पड़ता है, जुलाई के महीने में उसकी डेट रहती है, तो जब भी आप टैक्स डिपॉजिट तो जुलाई में करोगे, लेकिन आप टैक्स कौन से साल का करोगे? प्रीवियस ईयर का। तो जब आप प्रीवियस ईयर का टैक्स निकाल रहे हो, तो आपको कंफर्म गारंटी के साथ तो नहीं पता कि इतना ही टैक्स आएगा, तो आप क्या करते हो, प्रोविजन बनाते हो। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आपको ये भी नहीं पता कि आपके डेटर्स कितना डिस्काउंट मांगेंगे, तो आपने उसका भी प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, हो सकता है इस साल का रिपेयर एंड रिन्यूअल्स का खर्चा कुछ होने वाला हो, तो वो भी आप उसके लिए प्रोविजन बना लेते हो। तो ये होता है दोस्तों प्रोविजन। अभी प्रोविजन को हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं? प्रोविजन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो जो एंट्री पास होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, और प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखता है। दोस्तों अभी बैलेंस शीट में या तो आप प्रोविजन को लायबिलिटी साइड पे दिखा दो, या तो आप एसेट साइड में माइनस करके दिखा दो, दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर आप एसेट साइड से माइनस करोगे तो भी वही मतलब होगा, और लायबिलिटी साइड में दिखाओगे तो भी वही मतलब होगा। अब एसेट साइड में माइनस कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो उसको आप डेटर से माइनस कर दोगे, है ना? तो उस टाइप के प्रोविजन जो है, जो किसी एसेट से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, तो उसको आप एसेट से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर ये सारे को आप बैलेंस शीट में माइनस करके भी दिखा सकते हो, या अगर आपकी इच्छा हो तो आप लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उसका ट्रीटमेंट। अभी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो मैं आपको एक बैड डेब्ट्स की अकाउंटिंग बताता हूँ, सारे की अकाउंटिंग उसी के जैसे होगी। दोस्तों अभी कितने टाइप के डेटर्स होते हैं? एक होता है गुड डेटर्स। गुड डेटर्स यानी कि जहां पर हमको पता है कि हमको पैसा मिल ही जाएगा, ये डेटर हमारा पैसा नहीं खाएगा, उसको बोलते हैं हम गुड डेटर्स। उसके बाद आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि पैसा डूब गया, यानी कि वो आदमी भाग गया, हमें पता है वो आदमी भाग गया, एकदम कन्फर्म है कि अब हमको पैसा नहीं मिलने वाला, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पैसा देगा कि नहीं देगा, खुद डाउट में है। जब हम डाउट में रहते हैं कि हमको ये पता ही नहीं कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा, तो वहां पर हम बनाते हैं डाउटफुल डेब्ट्स।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसके सारे जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, डेफिनेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब प्रोविजन की एंट्री मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सिंपल एंट्री पास होगी, क्यों डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो भी हमारा प्रोविजन है वो हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए एक्सपेंस है, और जो भी हमारा प्रोविजन है वो हमने अभी पे नहीं किया, हमको फ्यूचर में पे करना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और जो भी हमारा लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 31 मार्च को सन्ड्री डेटर 68,000 रुपीज दिख रहा है, बैड डेब्ट्स जो है 8,000 रुपीज के हैं, और प्रोविजन 10% बनाना है, यानी कि 68,000 में से 8,000 हमारा कंफर्म डूब गया है, और बाकी का जितना अमाउंट बचेगा उसमें से 10% जो है वो हमारा डूब सकता है। तो 68,000 में से 8,000 तो डूब गया, तो बचा कितना 60,000, 60,000 का 10% हमको प्रोविजन बनाना है, तो 6,000 रुपीज का प्रोविजन हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री मारेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर 8,000 रुपीज, जो कंफर्म डूब गया वो तो बैड डेब्ट में जाएगा, और फिर बैड डेब्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल है, इसके बाद की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेब्ट, ये पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 8,000। अब हम मारेंगे प्रोविजन की एंट्री जो कि हमारी प्रॉफिट लॉस में जाएगी, जो कि 6,000 रुपीज की होगी, 68,000 माइनस 8,000, 60,000 इंटू 10% 6,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये एंट्री मैंने आपको अभी ऊपर समझाई, सेम यहाँ पर आपको बनाना है। यहाँ पर वर्किंग नोट दिया हुआ है कि कैसे आया, ये तो आप खुद मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद उससे पता लगा सकते हो। अब प्रोविजन तो हो गया हमारा खत्म, अब आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ वाटर रिजर्व, तो आप क्या समझते हो कि आपने पानी इकट्ठा करके रखा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मनी रिजर्व, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। सिमिलरली आप जो है अपने बैलेंस शीट में यानी कि अपने बिजनेस में पैसे को रिजर्व करके रख सकते हो। तो जब भी आप रिजर्व करते हो तब उसके लिए आप जो है एक रिजर्व का अकाउंट बनाते हो। अलग अलग टाइप के रिजर्व होते हैं, यहाँ पर रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें अगर फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े तो हम यहाँ से पैसा निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाटर के रिजर्व की, तो वाटर का रिजर्व हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी फ्यूचर में हमको पानी की जरूरत पड़े तो हम पानी वहां से ले सके। सिमिलरली आप यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व यानी कि कोई भी जनरल खर्चा आ गया तो हम जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड यानी कि अगर हमको वर्कमैन कंपनसेशन देना होगा इन फ्यूचर में तो हम वहां से भी पैसा निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अगर हमारे कोई इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है तो हो सकता है कि वो शेयर मार्केट अप डाउन होते रहे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया कि अगर कहीं ज्यादा लॉस हो गया तो हम ऐसा नहीं कि हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे, हमारे पास कुछ तो पैसा रहना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना देते हैं। कैपिटल रिजर्व, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कैपिटल एसेट हम बेचते हैं तो हमारा जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब भी हम एसेट खरीदनी होगी तब हम उस पैसे से खरीद लेंगे। फिर आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, अगर आपकी कंपनी है और आपको डिविडेंड बांटना पड़ सकता है फ्यूचर में तो आप अभी से डिविडेंड रिजर्व बना सकते हो। इसके बाद रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं, आपको वो डिबेंचर रिडीम करना है यानी कि उसको पे ऑफ करना है, तो आपको वो वाला रिजर्व भी बना सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता डिबेंचर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, तो आप डेफिनेटली मेरा जो बिजनेस स्टडीज वाला जो वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस देखे, वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन यानी कि रिजर्व में और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। देखो दोस्तों आपको पढ़ते साथ ही समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है। देखो प्रोविजन जो है जो हम बनाते हैं उसको हम प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जो यहाँ पर रिजर्व होता है वो होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉफिट कमा लेते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है वहां से हम रिजर्व में डालते हैं, तो हम प्रॉफिट को यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन प्रोविजन, हम प्रॉफिट कमाए या ना कमाए प्रोविजन तो हमें लगाना ही लगाना है, तो इसलिए प्रोविजन को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, पर्पस क्या है? प्रोविजन जो है ये एक नॉन लायबिलिटी है, ये कभी भी फ्यूचर में आ सकती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रोविजन बनाते हैं।
और जो रिजर्व रहता है वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाते हैं। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे रहता है, प्रोविजन को या तो हम डिडक्ट करके बताते हैं या तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और जो भी हमारा रिजर्व रहता है रिजर्व को हम हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं आफ्टर कैपिटल। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि जो भी आपका रिजर्व है वो कैपिटल के बाद दिखता है, कैपिटल साइड में दिखता है और कैपिटल के बाद दिखता है। टैक्सेबल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रोविजन जो रहेगा वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर देगा क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज होता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस में माइनस होता है, लेकिन आपका जो रिजर्व है वो प्रॉफिट लॉस में माइनस नहीं होता, वो नेट प्रॉफिट आने के बाद अलग से रिजर्व बनता है, तो वहां पर कोई भी इफेक्ट आपके टैक्सेबल प्रॉफिट में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, यानी कि प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से या फिर कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें जो है प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर आपके पास लॉस भी है तो भी आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रिजर्व के केस में ऐसा नहीं है, रिजर्व के केस में अगर आपके पास प्रॉफिट होता है तो ही आप बनाते हो, या तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कब बनाना चाहता है रिजर्व, तब आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ अगर लॉ के द्वारा कंपल्सरी नहीं है तो। अगर कोई लॉ आपको बोलता है कि आपको कंपल्सरीली बनाना है तो आपको फिर बनाना ही पड़ेगा रिजर्व। ठीक है, इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए भी जो है आप प्रोविजन को यूज नहीं करते, लेकिन रिजर्व जनरल रिजर्व को आप डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वही ऊपर जो पैराग्राफ वाला डिफरेंस है उसको डिवाइड करके लिखा गया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं होगी। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रिजर्व, सबसे पहला है जनरल रिजर्व, यानी कि ये फ्री रिजर्व होता है, इसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है, इसलिए तो इसका नाम है जनरल, यानी कि आप कहीं भी यूज करो जनरल रिजर्व। फिर आता है स्पेसिफिक रिजर्व, जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, हर काम के लिए यूज नहीं होता, अगर आपने जिस पर्पस के लिए बनाया है उसी पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस रिजर्व जो है वो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, यानी कि मान के चलो आपका कंपनी का ट्रेडिशन है कि आप हर साल 10% फेस वैल्यू पे डिविडेंड देते हो, अब किसी साल आपका प्रॉफिट कम हो गया तो आप 10% कैसे दोगे, तो आप जो है उसके लिए पहले से ही डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना के रखते हो कि अभी से मैं बना देता हूँ ये रिजर्व, फ्यूचर में अगर लॉस भी हो गया तो भी मैं 10% डिविडेंड दे पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी कि अगर वर्कर्स का कोई एक्सीडेंट हो गया और वर्कर्स ने क्लेम किया तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड से निकाल के दे देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी मैंने आपको ऊपर समझाया है। ठीक है, इसके बाद आता है जो भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो या तो रिवेन्यू रिजर्व होंगे या तो कैपिटल रिजर्व होंगे, दो टाइप के रिजर्व होते हैं या तो रिवेन्यू या तो कैपिटल। सबसे पहले आएंगे हम रिवेन्यू रिजर्व में, रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रिवेन्यू रिजर्व्स वो होता है जो रिवेन्यू प्रॉफिट से बनता है ना, जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो रहती है उससे जो भी रिजर्व आता है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिबेंचर, ये सारे हो गए आपके रिवेन्यू रिजर्व, यानी कि ये जनरल पर्पस के लिए होते हैं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो है वो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं, यानी कि आपने कैपिटल एसेट को बेचा और कोई आपके पास पैसा आया तो वहां से जो है कैपिटल बनेगा, और आप इसको डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब ये जो रिजर्व है इसको आप कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या तो बोनस शेयर इशू करने के लिए इशू कर सकते हो। बोनस शेयर क्या होता है कि मान के चलो आपकी कंपनी के पास ₹1 का शेयर है, एक शेयर, अब कंपनी क्या करेगी आपको बोनस शेयर दे देगी, यानी कि आपका जितना भी पैसा रिजर्व में होगा उसको उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, बस आपके शेयर के नंबर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि पहले आपके पास एक शेयर था अब आपके पास 2 शेयर हो जाएगा। ठीक है, आपका अमाउंट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले आपके उस ₹1 के फेस वैल्यू की कीमत ₹100 होगी, जो कि बोनस इशू के बाद ₹50 हो जाएगी, यानी कि छुट्टा दे रहे हैं आपको, आपके पास 100 की नोट ले रहे हैं, आपको 50-50 की 2 नोट दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं बोनस इशू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी
कैपिटल रिजर्व होते हैं जो कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिबेंचर, यानी कि हमने शेयर प्रीमियम में इशू किए तो वहाँ से पैसे आते हैं। फिक्स्ड एसेट के सेल से आते हैं, डिबेंचर रिडीम किए हमने बहुत प्रीमियम में, प्रॉफिट में डिबेंचर को रिडीम किया तो वहाँ पर भी फायदा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट किया, या फिर इनकॉर्पोरेशन के पहले का कोई प्रॉफिट है, या फिर फोरफीचर के समय का प्रॉफिट है, तो ये सारे जो है ये यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आते हैं। ये फोरफीचर और ये सब आपको समझ आएगा आगे कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दिया है कि रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले रिवेन्यू रिजर्व जो है वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से बनते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं। इसके बाद पर्पस क्या होता है कि कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आ गए तो उसके लिए, और यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाते हैं हम कैपिटल रिजर्व को। फिर यहाँ पर जो भी पर्पस डिसाइडेड रहता है उसके लिए इसको रिजर्व करते हैं, और यहाँ पर जैसा लॉ में लिखा है उसके हिसाब से हम कैपिटल रिजर्व को यूज करते हैं। फिर यहाँ पर दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, फ्यूचर में कोई भी आपदा आ गई तो उसके लिए, जनरल फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस का स्ट्रांग बनाने के लिए, जितना आपका रिजर्व ज़्यादा रहेगा मार्केट में उतनी आपकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कि डिबेंचर, इनको रिडीम करने के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हो तो वो भी आपका रिजर्व का इंपॉर्टेंस माना जाता है। फिर आता है एक सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? जो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, ठीक है, और ऐसा रिजर्व होता है जो आपको डिस्क्लोज प्रॉफिट या फिर टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए काम आता है, और जो है सीक्रेट को हम प्रॉफिट्स के साथ मर्ज कर देते हैं, है ना। तो ये ऐसा सीक्रेट है, मतलब ऐसा रिजर्व है जो कि सीक्रेटली रखा जाता है, ठीक है, यानी कि इसको हम बुक्स में ओपनली स्टोर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमको डेप्रिसिएशन लगाना था 10%, लेकिन हमें लगा कि मशीन जो है 20% से खराब हो चुकी है, तो हमने एक सीक्रेट रिजर्व बना लिया, या फिर हमारा इन्वेंट्री जो है, स्टॉक है, वो डैमेज हो गया तो हमने उसको अंडर वैल्यू कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, एक्सेसिव प्रोविजन बना दिया, हमको लगता है कि भाई साहब कोविड आ गया तो बहुत सारी पार्टीज पैसा नहीं देगी तो हमने एक्सेसिव रिजर्व बना दिया, कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो एक्चुअल लाइबिलिटी हमने शो कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है आप सीक्रेट रिजर्व में दिखाते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाता है। अभी इस चैप्टर में जो भी बचा है वो है यहाँ पर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, और यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हम दोस्तों देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।